हेलो व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इश्क मुर्शिद ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड पर। इश्क मुर्शिद ड्रामा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, तो आज इस ड्रामे की स्टोरी पर नजर डालेंगे। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और कुछ प्रीवियस सीन्स को डिस्कस करेंगे। दिलकश पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल। इश्क मुर्शिद ने अपनी पेचीदा कहानी, दिलकश किरदारों और दिलकश परफॉर्मेंस से व्यूअर्स को मसहूर कर रखा है। नेक्स्ट एपिसोड में मजीद राजों से पर्दा उठाया जाएगा, जज्बाती रोबत को गहरा करने और ड्रामे की शिद्दत को मजीद बुलंद करने का वादा करता है। इश्क मुर्शिद एपिसोड 9 की बासलायत कास्ट में शामिल है। बिलाल अब्बास खान बतौर जैन, एक मुत्तकी और अकीदत मंद रूहानी रहनुमा। दूर फिशां सलीम बैसीत नूरुल्लैन, रूहानी रहनुमाई की तलाश एक मजबूत और पुरअज़्म खातून है। नूर हसन बैसीत हुमैरा, जैन की बहन और नूरुल्लैन की करीबी साथी। लास्ट में बात करें ज़रनिश खान की बैसीत ज़ारा, एक जोड़ तोड़ और मकर करने वाली औरत है। इश्क मुर्शिद की कहानी तो आप लोग जानते हैं। जैन एक रूहानी रहनुमा और नूरुल्लैन के दरमियान पेचीदा ताल्लुक के गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी में सुकून और सिमट की तलाश में है। जैसे जैसे इनके रास्ते आपस में जुड़े होते हैं, वो खुद की दरियाफ्त का सफर शुरू करते हैं, अपने अंदरूनी शैतानों का मुकाबला करते हैं और मोहब्बत, ईमान और समाजी तवक्कात के चैलेंजों का मुकाबला करते हैं। प्रीवियस एपिसोड को देखें तो इश्क मुर्शिद की पिछली किस्त ने नाजरीन को एक झंझट पर छोड़ दिया। जैन की नूरुल्लैन से बढ़ती हुई मोहब्बत इसकी रूहानी जिम्मेदारियों और नूरुल्लैन की अंदरूनी जदोजहद से मुतसादम है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में मोड़ यह है कि दुर्फिशां का दिल जीतना कोई आसान सौदा नहीं है, क्योंकि इससे अमीर मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा ये मोहब्बत का शिकार बनाता है। बिलाल अब्बास अपनी शिनाख्त बदलता है और दुर्फिशां के दिल तक जाने का रास्ता तलाश करता है। क्या ये दिलचस्प कहानी कामयाब होगी? ड्रामे की 9वीं एपिसोड 28 नवंबर 2023 को शाम 8 बजे नशर की जाएगी। आपको दुर्फिशां और बिलाल अब्बास का कपल कैसा लगता है, इनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।